तो ये कहूंगा सरकारी नौकरी में सबसे घटिया घटिया पोस्ट ये है। हेलो दोस्तों, ये देखिए ये है ट्रेक मेंटेनर। मैं आपका सब इंटरव्यू कराऊंगा इन लोगों से। ये आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के क्या क्या होता है, कैसे ज्वाइनिंग होती है, क्या मेडिकल में होता है। तो ये देखिए अपन भैया से बात करते हैं। भैया आप लोग की ज्वाइनिंग कब हुई थी? हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2019 में। तो सबसे पहले बताइए जैसे ज्वाइनिंग होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगते हैं ये लोग? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ हाँ, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, हाँ, डोमिसाइल हुआ, और आपकी 10th 12th की मार्कशीट। अच्छा, बेसिक के थी आपका जो 10th मायने रखती है। अच्छा, 10th का होता है बेसिकली। ये पोस्ट ही 10th की है। ट्रैक मेंटेनर? ट्रैक मेंटेनर नहीं, कोई भी पोस्ट पर जाओगे ग्रुप बी की, तो उसमें बेसिक आपका 10th ही है। अच्छा, 10th का होता है आपका जो वर्किंग लेवल है वो 10th का ही है। अच्छा, जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, खाली 10th है, तो ग्रुप बी में आ सकते हैं। अच्छा, जिसकी जैसे कि लेकिन अब जो आगे आगे चल के जो वैकेंसी भरी जाएंगी, हाँ, उसमें ITI कंपलसरी। अच्छा, ITI कंपलसरी करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए अभी ग्रुप डी को सी कर दिया गया है, तो उससे कुछ फायदा है आप लोग को? नहीं, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है, खाली ये नाम का है, या तो क्वार्टर की बेनिफिट्स दे देंगे। अच्छा, या फिर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सैलरी बढ़ेगी। अच्छा, सैलरी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बढ़ेंगे तो 200-300 रुपए बढ़ते। अच्छा, आप लोग जैसे ज्वाइनिंग हुई थी तो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग टाइम कितना रहता है? ट्रेनिंग टाइम तो एक हफ्ते से एक महीने तक का रहता है। अच्छा, उसमें यही सिखाते हैं क्या प्रोटेक्शन मेन रहता है हमारा, हाँ हाँ, कि कैसे आप प्रोटेक्शन करोगे लाइन का, और बस और वर्किंग सिखाते हैं कि क्या एक ट्रैक मेंटेनर को क्या करना चाहिए, क्या 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 इम्पोर्टेंट है काम। बस अच्छा, आप लोग का काम क्या रहता है? काम होता है सब ग्रुप डी में जो सबसे हार्ड वर्क होता है तो वो ट्रैक। अच्छा, तो आप लोग जो मतलब बच्चे आने वाले हैं अभी जो वैकेंसी आने वाली है तो उनको ट्रैक मेंटेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सजेशन है? मेरा पर्सनल व्यू से अगर पूछोगे तो जो फैमिली जिसका फैमिली को सपोर्ट है तो उसको उसको लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ट्रैक मेंटेनर। और अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए अपना और आगे एजुकेशन लो या कोचिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन इस पोस्ट पे मत आओ मेरे हिसाब से। ये कैसी पोस्ट है मतलब? ये जैसे आप समझ लो प्राइवेट में मजदूर रहता है। अच्छा, वही काम हमारा, खाली सरकारी ठप्पा लगा है यहाँ। अच्छा, सरकारी मजदूर टाइप के बोल लो। अब सारे लोग एजुकेटेड हैं यहाँ। अच्छा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है यहाँ तक, यहाँ पे बीटेक एमटेक तक के भी बंदे। बाप रे, बीटेक। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में कि मान लो अब बीटेक वाला एमटेक वाला क्या कर रहा है, वही मजदूरी का काम कर रहा है। अच्छा, हर जो एक वर्कर को करनी चाहिए, निचले वर्कर, हाँ, वो हर चीज काम कराते हैं। मेंटली प्रेशर? अच्छा, मेंटली प्रेशर से लेके और सुविधाओं के नाम पे कोई ज्यादा कुछ खाना। अच्छा, आप लोग के लेने के लिए कुछ? हाँ, रेलवे देती है, क्वार्टर देती है, लेकिन क्वार्टरों की हालत भी खराब। अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, के लिए तो जैसे सरकारी एक सरकारी आवास होना चाहिए, हिसाब से नहीं रहता। अच्छा, अच्छा, आप लोग और काम क्या क्या रहता है इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर के अलावा? हमारा काम बहुत हार्ड है। अच्छा, हाँ, ग्रुप डी में जो सबसे लोअर पोस्ट होती है ना। अच्छा, वो है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सरकारी नौकरी में सबसे घटिया पोस्ट ये है। अच्छा, हाँ, इसमें ना तो खाने का टाइमिंग है कुछ, कभी भी PWI बोल देगा तो तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक के नाम पे वो कभी भी तुम्हें बिठा सकता है। वो खाने के लिए मिलता है 1 घंटा है, लेकिन 15-20 मिनट में ही खाने के का बोल के उसको टाइमिंग वो ऑफ कर देते हैं, बोले जाओ ड्यूटी पे। और कहीं भी पता चले कभी आपको इधर गंदगी पड़ी है, उसके बाजू में बैठ के आपको खाना पड़ेगा। सर्दी हो बरसात हो, आपको आना ही आना ड्यूटी पे है। और यदि बरसात हो रही है धुआंधार, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, और जैसे ये लोग बोलते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं कि हम लोग ग्रुप डी में जाकर के आगे पढ़ाई कर लेंगे, टाइम मिलता है? नहीं, आप टाइमिंग मिलेगी आपको, लेकिन आप PWI इतना काम दे देगा और मुकदम मेट जो होता है वो इतना काम करा लेगा आपसे, आपको पढ़ने का तो सोचना मत, आराम करने के लिए सोचोगे कि कैसे आराम करूँ। आप लेटे लेटे थक जा, मतलब आराम नहीं कर पाओगे, 8 घंटे की नींद में भी आपको आराम नहीं होगा। अच्छा, आपका टाइमिंग क्या रहता है जॉब का? टाइमिंग रहता है हमारा 8 से 5। अच्छा, लेकिन
आठ से पाँच बजे तक शायद ही कभी छुट्टी हो जाए, और आठ बजे के पाँच मिनट पे नहीं जाओगे तो आपका नागा लग जाएगा, मतलब एब्सेंस लग जाएगी। अच्छा ये बताइए सैलरी क्या रहती है आप लोग की ट्रेक में? सैलरी रहती है हमारी अभी जो 18,000 बेसिक रहता है उस पे अलाउंसेस जोड़ के वही 28,000-29,000 बन जाती है। अच्छा ये जो मैं समस्या है कि ये जैसे आर्मी की पोस्ट में ना आपका कोई मतलब जीवन की कोई उतनी ज्यादा वो नहीं है ना रक्षा। ठीक है भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है और मैं ट्रैकमैन का ही मैसेज सभी जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या उसमें ज्वाइन करने वाले हैं उसके पास पहुंचाना चाहता हूं अपनी जानकारी, और इसके बेहतर भविष्य के लिए लोग लड़े जनता लड़े इसके लिए मैं मतलब ये जानकारी दी है। ओके थैंक यू भाई।